हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 13 अगस्त। वर्कशीट को और वर्कशीट का सब्जेक्ट बच्चों मैथमेटिक्स। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कम्युनिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे इंटीजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न कि हम किस प्रकार डिवीज़न करते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर, तो प्रॉपर्टीज़ पढ़े क्या क्या डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है डिवीज़न बाय वन। अगर हम वन से डिवाइड करते हैं, इफ़ ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाय वन द क्वोशेंट इज़ द नंबर इट्सेल्फ। तो जो क्वोशेंट आता है वो वही नंबर आता है जिससे हम वन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वही नंबर आता है तो इसको बोलते हैं डिवीज़न बाय जीरो, डिवीज़न बाय वन। नेक्स्ट डिवीज़न बाय इट्सेल्फ, अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें, इफ़ ए नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इट्सेल्फ द क्वोशेंट इज़ वन, ठीक है। अगर हम उसी नंबर को उसी नंबर से हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर वन आता है, ठीक है। -7 डिवाइड बाई -7 आंसर इज वन। नेक्स्ट डिवीज़न बाई जीरो, अगर हम जीरो से डिवाइड करें, इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई जीरो द क्वेश्चन इज मीनिंगलेस, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो मीनिंगलेस होता है, मतलब हमारे पास ये आंसर नहीं आएगा इसका। माइनस मतलब 9 को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या है, मीनिंगलेस, मतलब वो इनफाइनाइट में जाता है, तो इसका हम कहेंगे मीनिंगलेस। नेक्स्ट जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड, जीरो को हम किसी नंबर से डिवाइड करें, तो इफ़ जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर तो क्वेश्चन इज जीरो, तो आंसर हमारे पास जीरो ही आता है। चाहे जीरो को हम -3 से किया तो जीरो आंसर आया, जीरो को अगर हम 100 से भी गए तो भी हमारे पास आंसर हमेशा जीरो ही आएगा बच्चों। नेक्स्ट है क्लोजअप प्रॉपर्टी, इफ़ -4 डिवाइड बाई -2 तो 2 आ रहे हैं, और वही है -4 डिवाइड बाई 2 तभी तब हमारे पास आ रहा है -2, तो 2 एंड -2 बोथ आर इंटीजर, ठीक है। तो इसमें क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर दो इंटीजर को हम डिवाइड करें तो आंसर में हमारे पास आंसर भी इंटीजर में ही आता है। जैसे -3 डिवाइड बाई -7 तो 3/7 नॉट इंटीजर, सो इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। तो कई बार क्या होता है हमारे पास इंटीजर आ जाता है, कई बार हमारे पास इंटीजर नहीं होता, तो डिवीज़न क्या है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ, इफ़ -3 डिवाइड बाई -9 डिवाइड बाई -3 तो आंसर 3, लेकिन अगर इसका हम ऑर्डर को चेंज करें -3 डिवाइड बाई -9 तो 1/3, तो दोनों में आंसर हमारे पास सेम नहीं आ रहा है, एक में 3 आ रहा है एक में 1/3, तो डिवीज़न इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, तो डिवीज़न में डिवीज़न कॉम्यूटेटिव भी नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, इफ़ 8 -8 डिवाइड बाई 2 देन डिवाइड बाई -2, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको सॉल्व किया तो -4 आ गया, -4 के फिर से हमने -2 से किया तो हमारे पास आ गया, एक सेकेंड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया -8 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया -4, और -4 से फिर से हमने -2 से किया तो हमारा आंसर आएगा हमारे पास +2, ठीक है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से करें कि -8 को हम डिवाइड करेंगे ब्रैकेट 2 डिवाइड बाई -2, तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 2, जबकि उसमें हमारे पास आंसर आ रहा था अलग आएगा इसमें आंसर, देखो इसमें आएगा हमारे पास, तो इसमें क्या है बच्चों हमारे पास दोनों आंसर अलग अलग आ रहे, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों आंसर अगर अलग आ रहे तो ये क्या है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता। आप सिंपल ही याद कर लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ही फॉलो नहीं करता, यहाँ पर इसने कुछ मिस्टेक की हुई है, ठीक है। क्योंकि देखो -8 डिवाइड बाई, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -1, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, तो यहाँ पे आपके पास 8, मतलब कहने का मतलब ये कि दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। आगे देखते हैं इसको हम, लेट्स कंप्लीट द टेबल, अब हम टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1 है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5। नेक्स्ट है इसका हम आंसर देखते जाते हैं 1/1, तो इसमें आप लिखेंगे बच्चों 5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका -15 डिवाइड बाई -15 तो इसमें आएगा 1, तो इसके प्रॉपर्टी कौन से, डिवीज़न बाय इट्सेल्फ, तो ये है आपका इट्सेल्फ। नेक्स्ट है 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करें 7 से, तो 0 आंसर आएगा वैसे ही, यहाँ पे हम क्या आएगा 0, ठीक है। तो 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। नेक्स्ट है -25 डिवाइड बाई 1, तो हम 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर क्या है वही आता है जो जिससे हम जिसको हम डिवाइड करें, तो यहाँ पर भी हमारे पास -25, यहाँ पर हमारे पास 17 है क्योंकि 17 का 17 ही आएगा, प्रॉपर्टी इसकी डिवाइडेड बाय 1 बच्चों। नेक्स्ट है -100 को 1 से, अगर किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर वही आता है, सेम वही प्रॉपर्टी है इसमें, -100 आएगा ये, वैसे यहाँ पे -45 आएगा और प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी डिवाइडेड बाय 1। नेक्स्ट है मीनिंगलेस, मीनिंगलेस कब था जब हम इसको 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो मीनिंगलेस हो गया,
तो इस पर आप लिखेंगे मीनिंगलेस, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने मीनिंगलेस और इसकी प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय जीरो बच्चों, ठीक है। तो ये अपने टेबल को आप कंप्लीट कर लें। आगे देखते हैं इस वर्कशीट को हम। नेक्स्ट बच्चों माइनस हंड्रेड को हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास हंड्रेड आए तो इसको आप करेंगे माइनस वन से, क्योंकि सेम ही नंबर आया लेकिन निशान चेंज है तो माइनस वन से करेंगे। फिफ्टी को हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास माइनस वन आए तो इसको हम करेंगे माइनस फिफ्टी से बच्चों, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, फिफ्टी से फिफ्टी कट गया तो माइनस वन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 26 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस टू, माइनस फिफ्टीन को 5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 बच्चों, प्लस का है क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस टू प्लस 3 आंसर आएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस 101 डिवाइड बाई 1 तो आंसर आ गया प्लस है बच्चों, ये यहाँ रखने चीज़ को डिवाइड नहीं है ये, तो इसका आंसर आएगा माइनस 100 आ गया क्योंकि माइनस हो जाएंगे डिवाइड बाय माइनस 99 माइनस 1 तो ये हो गया हमारा माइनस 100 बच्चों। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो इसको आप अपना सेकंड क्वेश्चन भी सारे आंसर आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का हम। थर्ड क्वेश्चन है इन एन ऑनलाइन टेस्ट प्लस 3 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर एंड माइनस 1 फॉर रॉन्ग आंसर। राजीव गॉट ए टोटल ऑफ 20 मार्क्स इफ यू आंसर 12 क्वेश्चन करेक्टली, देन हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही आंसर रॉन्ग। तो इसमें क्या कहा गया बच्चों कि अगर उसको तीन मार्क्स उसको जब मिलेंगे जब वो ठीक आंसर करेगा, माइनस वन तब मिलेंगे जब वो गलत क्वेश्चन करेगा, और उसको टोटल कितने मार्क्स मिले बच्चे 20, और 12 क्वेश्चन उसने ठीक किए हैं तो आपको पता नहीं कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि 12 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए तो करेक्ट क्वेश्चन पर उसके कितने मार्क्स मिले 3, तो कितने मार्क्स होगी बच्चे 36 बच्चों, ठीक है। और कितने क्वेश्चन उसने गलत किए हमने मान लिया, मैंने मान लिया कि यहाँ पे 36 मार्क्स उसके करेक्ट क्वेश्चन के हो गए और टोटल मार्क्स उसको मिले 20, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि उसने कितने गलत किए हैं, देखिए गलत के लिए उसके कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 में से हम 20 माइनस करते क्योंकि उसको 20 मार्क्स मिले हैं, तो 16 मार्क्स जो है इसके वो कट गए, ठीक है। 16 को हम डिवाइड बाई 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 16, तो उसने 16 क्वेश्चन गलत किए, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे आंसर, इसको लिखेंगे कैसे, 3 × 12 मार्क्स फॉर करेक्ट, यहीं पे लिखें मार्क्स फॉर करेक्ट, ठीक है 36। फिर आप लिखेंगे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने होंगे बच्चे उसके 20 थे, तो रॉन्ग क्वेश्चन आप लिखेंगे, रॉन्ग क्वेश्चन से कितने किए 36 माइनस 12 16, और 16 को डिवाइड बाय माइनस 1 कर देंगे तो आंसर आएगा आपके पास माइनस 60, तो इसने 16 क्वेश्चन गलत किए, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि माइनस हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि माइनस नेगेटिव का मतलब ये कि नेगेटिव यानी कि उसके क्वेश्चन गलत है, तो आप आंसर लिखेंगे रॉन्ग क्वेश्चन इज इक्वल टू 16, ठीक है बच्चों। तो पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट का सोल्यूशन आपको समझ में अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ को मेरी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ के साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।